इश्तियाक साहब, आपने आज सुबह का अखबार पढ़ा जिसमें एक खुर्रम हुसैन नामी नौजवान के कत्ल की खबर छपी है? जिस गाड़ी में से उसकी लाश बरामद हुई है वो इसकी है, और जो पिस्तौल पुलिस के हाथ बरामद हुआ है वो भी इसी का था। बाय द वे, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। आई एम सॉरी वकील साहब, मेरा नाम नासिर सिद्दीकी है। वैसे तो नासिर साहब, मैं किसी की जगह जाकर कोई केस अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन रब्बानी साहब ने फोन करके मुझे यहाँ भेजा। दूसरा ये कि आपकी पोजीशन वाकई ऐसी नहीं है कि आप मेरे दफ्तर आते, लिहाजा मुझे खुद ही आना पड़ा। अब आप तफसील से बताइए कि हुआ क्या। जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसकी लाश मेरी गाड़ी में से बरामद हुई है। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस फैक्ट्री में मैं मैनेजर हूँ उस फैक्ट्री में एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम रुखसाना है, और मकतूल उसका मंगेतर था। उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी। वकील साहब, मैं कल रात से अपनी दोस्त निगार के साथ हूँ। सुबह जब मैं उठा, मैंने अखबार पढ़ा, बाहर जाके देखा मेरी गाड़ी गायब। वैसे एक बात और वकील साहब, वो लड़की रुखसाना, उसने पहले मुझसे शादी का वादा किया था, बाद में उसने खुर्रम से मंगनी कर ली। इसका मतलब है कि आपको फंसाया गया। आप मुझे रुखसाना के बारे में तफसील बताइए। उस लड़की के बारे में वकील साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में वो जॉब करती है। वकील साहब, ये थी सारी तफसील जो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आप गिरफ्तारी दे दें, क्योंकि पुलिस आपको मफरूर करा दे देगी, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप छूट जाएंगे। ठीक है वकील साहब, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, मैं आज ही इस पर अमल करता हूँ। बैठिए वकील साहब। वैसे तो खुर्रम मर्डर केस में आप वकील सफाई हैं और मैं तो इस्तगासा के गवाहों में से हूँ। नासिर हमारी कंपनी के मैनेजर हैं, इसलिए मैं तो न्यूट्रली रहना चाहती हूँ। हालांकि मेरे ख्याल से खुर्रम का मर्डर नासिर के अलावा कोई और कर नहीं सकता। वो कैसे? आप ही बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? देखिए ना वकील साहब, जिस रात ये वाकया हुआ उस रात खुर्रम यहाँ आया था, और नासिर साहब भी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में यहाँ पहले से ही मौजूद थे। दोनों में कुछ तल्ख कलामी हुई और फिर नासिर साहब चले गए। उसके कोई 10 मिनट बाद खुर्रम भी यहाँ से चला गया। अब आप खुद ही सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। माशाल्लाह आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आपके वालिद नजर नहीं आ रहे। वकील साहब, आपने तो 2-2 सवाल कर डाले। पहले सवाल के जवाब में तो मैं आपको शुक्रिया कहूंगी, और दूसरा ये कि अब्बा नमाज पढ़ने गए हैं। ये खुर्रम मर्डर केस के वकील हैं। अच्छा, सुनिए वकील साहब, कातिल को अंदर करवाया कि नहीं आपने? अरे बेवकूफ, ये नासिर साहब की तरफ से वकील सफाई हैं। वकील साहब, ये मेरे कजिन हैं अख्तर,
और ये भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा हुआ मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोला। मैं आपसे दो तीन बातें पूछना चाहूँ। ना बाबा ना, वकील साहब आप लोगों से तो अल्लाह ही बचाए, आपने जो कुछ पूछने अदालत में मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? फिर आपसे अदालत में ही मुलाकात हो। वकील साहब मैं आपको कब से तलाश कर रही हूँ, मैं आपके दफ्तर भी गई थी। आपने नासिर को जो मशवरा दिया था उसने उस पर अमल करते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी है। जी जी मैं थाने ही गया हुआ था, मुझे पता चल चुका है कि नासिर गिरफ्तार हो चुका है। और ये कि पुलिस ने उसका रिमांड पे ले लिया। आपकी उसे मुलाकात हुई थी? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो किस थाने में है, बस मुझे किसी ने फोन पे इतला दी थी कि उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। आप परेशान ना हो, मैं नासिर से मिल चुका हूँ। उससे मिलने के बाद मैं रुखसाना से भी मिल चुका हूँ। आप तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा कैसा है वो, किस थाने में है, मैं उससे मिलना चाहूंगी। देखें इस वक्त तो उससे मिलना मुश्किल है क्योंकि वो रिमांड पर है और चार्ज भी सख्त है। पुलिस ने कत्ल का मोहर एक मोहब्बत और रकाबत को दिया है। अब आप क्या करेंगे? देखिए खातून, कल पुलिस अदालत में चालान पेश करेगी। मैं जमानत की बजाय नासिर की बेगुनाही साबित करना ही मुनासिब समझता हूँ। क्योंकि इसकी जमानत होना मुश्किल है, फिर क्यों उसमें अपना वक्त बर्बाद करें? मेरे पास दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी रोशनी में इंशाल्लाह नासिर बरी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। वो आप छोड़ दें, मेरी नासिर से बात हो गई, बस आप उसके लिए दुआ करें और अगर हो सके तो मेरी मदद करें, मैं आपके जिम्मे एक काम लगाना चाहता हूँ। मेरी नासिर से बहुत पुरानी दोस्ती है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ वकील साहब। अल्लाह आपको इसका सिला दे। मुलजिम नासिर सिद्दीकी वल्द साजिद सिद्दीकी, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने खुर्रम नामी शख्स को मोहब्बत की रकाबत में आकर कत्ल किया और बाद में उसकी लाश को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तुम्हारी गाड़ी को अपनी तहवील में लेकर लाश के साथ साथ आलाए कत्ल यानि तुम्हारा रिवाल्वर भी बरामद किया है। मकतूल के माथे और दिल से निकलने वाली गोली मेडिकल एग्जामिन्स के मुताबिक उसी रिवाल्वर से चलाई गई थी, लिहाजा ज़ेर दफ़ा 302 पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक तुम पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद की जाती है। तुम इस सिलसिले में अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी? जनाब आला, मैं इस चालान को चैलेंज करता हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। इस्तगासा अपने गवाह पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। मेरा पहला गवाह है मकतूल का होने वाला सुसर करीम अहमद, उसे मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूं। इजाजत है। करीम साहब आप मुअज्जज़ अदालत को बताइए कि वकूए वाले दिन मुलजिम और मकतूल में क्या बात हुई थी। जज साहब, ये शख्स फैक्ट्री में मैनेजर था जहां मेरी बेटी काम करती है। फैक्ट्री के किसी काम के सिलसिले में ये मेरी बेटी से मिलने के लिए घर आया। रुखसाना की मकतूल से शादी होने वाली थी, इस शख्स ने मेरी बेटी को मकतूल से रिश्ता तोड़ने का मशवरा दिया और अपना रिश्ता पेश कर दिया, लेकिन मेरी बेटी ने ये रिश्ता मुस्तरद कर दिया।
जज साहब, मक्तूल से रकावत एक फितरी अमल था। अभी इनके दरमियान गुफ्तगू हो ही रही थी कि मक्तूल वहाँ आ गया। उसने बड़े प्यार से और मोहब्बत से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन इस शख्स ने नफरत की बिना पर उससे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया, बल्कि उल्टा उससे उलझ पड़ा और उसे जान से मारने की धमकी दी। वो शख्स उल्टे पांव वहां से चला गया और उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद ये भी वहां से वापस चला गया। और दूसरे दिन सुबह खुर्रम के कत्ल की खबर हमारे घर पर बिजली बनकर गिरी। दिस इज ऑल, नो मोर क्वेश्चंस। मैं आपसे पूछ करके आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इन सवालों में इस मौजूद अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करूँ और मैं अपने मौकिल को जल्द अज जल्द इस मौजूद अदालत में बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। लिहाजा जो मैं आपसे सवाल पूछता जाऊँ, हाँ या ना में जवाब देते जाइए। करीम अहमद साहब, आप एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं और वहाँ आपकी तनख्वाह 2500 रुपये। जी बिल्कुल। आपका बेटा एक दुकान पर सेल्समैन है और वहां उसकी तनख्वाह 2000 रुपये है, लेकिन घर पर वो 1000 रुपये देता है। जी ठीक है। अब आपकी बेटी मिस रुखसाना जिस फैक्ट्री में काम करती हैं, वहां उनकी तनख्वाह 3000 रुपये है, जिसमें से आधे यानी 1500 रुपये अपनी तराश खराश और लिबास पर खर्च कर देती हैं और बाकी 1500 रुपये आपके हाथ पर रख दिए जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मगर आपको ये सब कुछ कैसे मालूम? करीम साहब, आपने सिर्फ जवाब देना है, सवाल नहीं करना। योना, करीम साहब के 2500 रुपये, इनके बेटे के 1000 रुपये और इनकी बेटी मिस रुखसाना के 1500 रुपये, कुल मिला के 5000 रुपये। और अब मकान भी किराए का है। योना, इसके अलावा घरेलू अखराजात, गैस, बिजली, पानी का बिल, इन सब पैसों में करना नामुमकिन है योना। और इसके अलावा इनके घर का सारा सामान बिल्कुल लेटेस्ट नया है, सब कहां से आया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फजल दोस्त कत्ल का मुकदमा लड़ रहे हैं या इनकम टैक्स का? इश्तियाक साहब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? टू द पॉइंट बात कीजिए। जनाब वाला, मैं जो पॉइंट वाजे करना चाहता था वो मैं कर चुका हूं, अब मैं टू द पॉइंट ही बात करूं। जी तो करीम साहब, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि वकुआ वाले दिन मुलजिम और मकतूल के अलावा एक और आदमी भी उनकी मौजूदगी में घर आया था, शायद वो आपका भतीजा था? जी हाँ, अख्तर मेरे घर आया था, लेकिन वो मेरा भतीजा नहीं, हमारे और उसके खानदानी ताल्लुकात हैं। वो भी उस फैक्ट्री में काम करता है जिसमें मेरी बेटी काम करती है। करीम साहब, मुझे मालूम हुआ है कि अख्तर भी रुखसाना से शादी का तलबगार था और जब रुखसाना की खुर्रम से मंगनी हुई तो यही अख्तर खुर्रम की माँ को धमकियां देकर आया था कि मंगनी तोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जज साहब, ये सरासर झूठ है। इश्तियाक साहब, आपके पास इन बातों का कोई सबूत है? बहुत ठोस सबूत है योर ऑनर, लेकिन अभी कबल इस वक्त होगा, लेकिन वक्त आने पर यह बात मैं जरूर साबित कर दूंगा। जी तो करीम साहब, आपकी अख्तर के खानदान में किस किस से जान पहचान है और अख्तर के घर आप कितनी दफा गए? मैं अपने काम की वजह से उसके घर नहीं जा सका, लेकिन वो दरअसल अख्तर मेरे बेटे रशीद का दोस्त है। योर ऑनर, गवाह के झूठ को नोट किया जाए। इश्तियाक साहब, आप गवाह पर और जिरह करना चाहते हैं? That's all your. The court is adjourned. पता नहीं वकील है कि जासूस है, इतनी सारी मालूमात रखता है हमारे बारे में। इश्तियाक अजहर अपने इन्हीं हथकंडों की वजह से बड़े वकीलों में शुमार किया जाता है, लिहाजा अब्बा आज की तरह ना आइंदा उससे ना घबरा जाना, बहुत सोच समझकर उसके सवालों का जवाब देना, और वैसे भी वो कोई आदमखोर तो है नहीं जो मुंह में डालकर चबा जाए।
बहुत होशियारी और जुर्रत चाहिए उसके सवालों का जवाब देने में। हाँ, मगर तुम भी लोगों को टैकल करने में नंबर वन हो। अच्छा, अब जाओ जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय का बना कर लाओ। मेरा तो दिमाग ही उबाल कर रख दिया उस वकील के बच्चे ने। अभी बनाती हूँ। अक्सर मैंने सुना है कि आपने और रुखसाना ने काफी गहरी दोस्ती है। जी, आप चूंकि वकुआ वाले दिन रुखसाना के घर पर मौजूद थे, तो क्या आप तो बता सकते हैं कि उस रात आप कितने बजे रुखसत हुए थे? 11 बजे। अक्सर आप रुखसाना को तोहफे तहफ भी दिया करते थे? जी बिल्कुल, दोस्तों में तोहफे तहफ दिए जाते हैं। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि आप मुलजिम के अंडर फैक्ट्री में काम किया करते थे, कभी आपने मुलजिम की गाड़ी चलाई? मैंने कभी जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी तो यूज नहीं की। हाँ, ऑफिस के काम के लिए जरूर यूज किया। अच्छा, अच्छी तरह मुझे सोचकर बताइए कि आखिरी मर्तबा आपने मुलजिम की गाड़ी कब चलाई? 13 जुलाई को। यो ना, मैं अपनी जिरह खत्म करने से पहले अपने मौकिल से एक सवाल करना चाहता हूं, अगर मेरे फाजिल दोस्त को एतराज ना हो तो। इजाजत है। थैंक यू यार। जी तो नासिर सिद्दीकी साहब, आपने अपनी गाड़ी आखिरी दफा कब सर्विस कराई थी? 8 अगस्त। 8 अगस्त, इसका मतलब है कि वकुआ से 5 दिन पहले। आप ये बात साबित कर सकते हैं? आप सर्विस स्टेशन से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जनाबे आला, मैं मौजिस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुलजिम की गाड़ी पर सिर्फ फिंगरप्रिंट्स उठाने का हुक्म दे, क्योंकि इस्तखासा के गवाह अख्तर के मुताबिक मुलजिम ने उसकी जो गाड़ी आखिरी दफा इस्तेमाल की थी वो तारीख थी 13 जुलाई, और मुलजिम के बयान के मुताबिक मुलजिम ने अपनी गाड़ी वकुआ से 5 दिन पहले यानी 8 अगस्त को सर्विस कराई। इस तरह गवाह अख्तर के उंगलियों के निशानात गाड़ी पर से मिट जाने चाहिए। यह है फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जो कि गाड़ी में लगी हुई चाबी पर से लिए गए, और मुझे यकीन है कि गाड़ी पर से लिए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स इनसे मैच हो जाएंगे। योना, यह है गाड़ी की असली चाबी जिसकी डुप्लीकेट बनवाई गई थी, और कातिल असल में यही एक गलती कर गया कि डुप्लीकेट चाबी उसने गाड़ी में ही छोड़ दी। इश्तियाक साहब, आपके ख्याल में कातिल कौन है? योनर, चाबी पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आपके सामने है, और गाड़ी पर से पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट और अख्तर साहब की फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जब सामने आए तो सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। इश्तियाक साहब, आप इस हरकत का क्या नतीजा निकालेंगे? वेरी सिंपल यू ऑनर, इस ड्रामे के दो ही मरकजी किरदार थे, एक अख्तर और दूसरी मिस रुखसाना। रुखसाना चूंकि एक खूबरू दोशीजा है, इसके लिए किसी दिल का धड़कना एक फितरी अमल है यू ऑनर, लिहाजा मेरे मौकिल रुखसाना के हुस्न का शिकार हुआ, और रुखसाना ने मेरे मौकिल से काफी माल खाया, लेकिन जब मेरे मौकिल ने रुखसाना से हाथ खींचा तो फिर अचानक अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके आने वाला खुर्रम हुसैन रुखसाना के हुस्न का असीर हो गया, और फिर इन दोनों की मंगनी हो गई। शादी करीब थी तो किसी ने रुखसाना के भेद खुर्रम पर खोल दिए। चूंकि कर्जे की मद में रुखसाना मकतूल से 3 लाख रुपए उधार पर ले चुकी थी, इसलिए खुर्रम हुसैन ने अपनी शादी का इरादा तर्क करके अपनी मतलूबा रकम का मुतालबा किया। मजबूर होकर रुखसाना ने अपने ठुकराए हुए आशिक अख्तर से मिलकर खुर्रम के कत्ल का मंसूबा बनाया, और इस शर्त पे कि मामला दब जाने की सूरत में वो अख्तर से शादी कर लेगी।
13 अगस्त को नासिर ने किसी काम से अपनी गाड़ी अख्तर को दी और अख्तर ने उस गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर अपने पास रखी और रुखसाना ने किसी डर के बहाने नासिर का पिस्तौल अपने कब्जे में किया और वकू वाले दिन रकम वापस करने के बहाने मकतूल को अपने घर बुलाकर बासानी उसे कत्ल करके लाश मुलजिम की गाड़ी में डाल दी और गाड़ी को सुनसान जगह पर छोड़ दी। That's all, Your Honor. यह अदालत दोनों वकला की जरा सुनने के बाद मुलजिम नासिर सिद्दीकी को बेगुनाह करार पाते हुए बाइज्जत तौर पर बरी करती है। मुजरिम अख्तर को पुलिस रिमांड पर देते हुए पुलिस को इसके खिलाफ चालान 7 यौम में दाखिल करने की हिदायत करती है और साथ साथ मुजरिमा रुखसाना करीम के वारंट गिरफ्तारी निकालते हुए पुलिस को पाबंद करती है कि वो रुखसाना करीम को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पुलिस ने अख्तर और रुखसाना को अदालत में पेश कर दिया। मुकदमे की कार्रवाई में दोनों मुजरिम साबित हुए, लिहाजा अदालत ने दफ़ा 302-34B के तहत रुखसाना को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई और दफ़ा 302-34A पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अख्तर को सजाए मौत का हुक्म सुनाया।